लोकसभा कुर्सी क्षेत्र में उम्मीदवार श्री मनोज कुमार दरअसल कुर्नी उपचुनाव में आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की संयुक्त सभा थी। कुर्नी के कोरमाडी में यह सभा हो रही थी। इसी बीच बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थी सभा में पहुंच गए। वो सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग कर रहे थे। युवाओं ने नारेबाजी की, लेकिन मंच पर बैठे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उनका कोई नोटिस नहीं लिया। ऐसे में नारेबाजी और तेज हो गई। शिक्षक नियोजन की मांग कर रहे युवाओं का जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कोई नोटिस नहीं लिया, तो उन्होंने नीतीश कुमार शर्म करो और नीतीश कुमार डूब मरो के नारे लगाने लगे। इसी बीच सभा में मौजूद राजद के समर्थकों ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर हमला बोल दिया। राजद के समर्थकों ने युवाओं की जमकर पिटाई की और उन्हें पीटते हुए सभा से खदेड़ दिया। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक उत्तीर्ण परीक्षा यानी सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों ने पिछले साल से ही सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग कर रहे थे। सरकार लगातार यह आश्वासन दे रही थी कि सातवें चरण की नियुक्ति शुरू की जाएगी, लेकिन अब तक उसकी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सातवें चरण की नियुक्ति को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने इसी साल अगस्त में पटना में प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाई थी। इसी दौरान हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे एक युवक की पटना के SDM द्वारा बर्बरता तरीके से पिटाई का वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने जांच और कार्रवाई का ऐलान किया था, लेकिन SDM पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और कुर्नी उपचुनाव में प्रचार करने गए नीतीश कुमार जिस मैदान में सभा कर रहे थे, वहीं मिली शराब की बोतल। पासी समाज के लोगों ने बोतल दिखाकर किया था प्रदर्शन। पूछा, ताड़ी के लिए जुल्म हो रहा है तो दारू कहाँ से आ रहा है? प्रशासन ने उन्हें खदेड़ दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पटना में पासी समाज ने भी ताड़ी से प्रतिबंध हटाने के लिए नीतीश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। विधानसभा कुर्सी क्षेत्र में उम्मीदवार श्री मनोज कुमार सिंह, जिनको आम तौर पर लोग मनोज कुशवाहा बोलते हैं, और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ मौजूद श्रीमती लवली आनंद जी।